हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ ईएमटी से, और वो हॉट टॉपिक्स हैं जो लगातार कंपटीशंस की दुनिया में पूछे जाते हैं और जिनके ऊपर अप्लाइड प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा। सभी कंपटीशंस के स्टूडेंट्स को ये जो वीडियो है वो लाभान्वित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, द मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल आयरन इज गिवन बाई। मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टराइजेशन दे रखा है सैंपल आयरन का, और बी की जो वैल्यू दे रखी है पहले क्वेश्चन में, बी दे रखा है हमारा ए एच प्लस बी एच स्क्वायर। ये हमारा बी और एच के बीच रिलेशन है आयरन के लिए। ए और बी कॉन्स्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है द मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल आयरन इज गिवन बाई बी इक्वल टू ए एच प्लस बी एच स्क्वायर। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन द मेटीरियल पर यूनिट वॉल्यूम इफ एच इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू एच एफ। तो एच की वैल्यू जब जीरो से एच एफ तक इंक्रीज होती है तो मेरा जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम है उसको पूछा गया है। तो मैग्नेटिक जो एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका एक्सप्रेशन होता है डी डब्ल्यू एम अपॉन डी डी वी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है एच इंटू डी वी। तो इस एक्सप्रेशन को रिमेम्बर रखें कि जो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम है वो होता है हमारा एस डी वी, और इसको लिख दें डी डब्ल्यू डैश। ये हमारा एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम डी डब्ल्यू डैश हो गया, इस पर हो जाएगा हमारा एच इंटू डी वी। डी वी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर लें। बी हमारा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बी इक्वल टू है ए एच प्लस बी एच स्क्वायर। तो डी वी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, डी वी की जो वैल्यू होगी वो होगी डी वी इक्वल टू ए और एच का वेरिएशन आ जाएगा डी एच, और बी एच स्क्वायर का आ जाएगा टू बी एच डी एच। इस वैल्यू को जो डी वी की वैल्यू हमने यहाँ से एवेल्यूट की है, इस वैल्यू को इधर पुट कर दें या इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो ये आ जाएगा एच, और डी वी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से आएगी ए इंटू डी एच प्लस टू बी एच डी एच। इसके बाद इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दें पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये आ जाएगा ए एच डी एच प्लस टू बी एच स्क्वायर और DH। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें, ये S से लेके H प्लस डी एच तक जो इंक्रीज किया गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसमें किया गया कार्य है। जीरो से HF तक पूछा है तो जीरो से लेके HF तक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से अप्लाई करें, और इंटीग्रेशन के बाद में हमें वर्क कैलकुलेट हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंटीग्रेशन जैसे हम अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में लिमिट गिवन है H की जीरो से HF, तो यहाँ से इंटीग्रेशन लिमिट लगा दें A, इंटीग्रेशन लिमिट ध्यान दें जीरो से एच एफ। क्वेश्चन में एच आई से एच एफ भी कह सकता है, हाँ एच आई से एच एफ करें फिर इंटीग्रेशन लिमिट, तो एच डी एच प्लस टू बी और इंटीग्रेशन लिमिट ले लें जीरो से लेकर एच एफ और एच स्क्वायर डी एच। तो उसके बाद इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा ए एच स्क्वायर बाई टू, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी जीरो से एच एफ। उसी तरीका से यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट ले लें टू बी, यहाँ से एच क्यू बाई थ्री इंटीग्रेशन आ जाएगा, और लिमिट ले लें लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट एच एफ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं एच की लिमिट जीरो से एच एफ। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम डब्ल्यू डैश उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी ए बाई टू एच एफ स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू आएगी ए टू बी बाई थ्री और एच एफ क्यूब। ये हमारे पास नेट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा आयरन के लिए जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो से एच एफ इंक्रीज की जाएगी। तो इसका आंसर है मेटीरियल का जो एनर्जी स्टोर होगी या जो वर्क होगा वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका आंसर होगा ए बाई टू एच एफ स्क्वायर प्लस टू बी बाई थ्री एच एफ क्यूब। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो इसका फॉर्मूला याद रखें। साथ साथ पोलराइजेशन पर भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन करके रखें, नेट अमाउंट ऑफ वर्क वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है उसको भी तैयार करके रखें, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मैंने पहली प्रॉब्लम डिस्कस की, थोड़ा अलग डिफरेंट पैटर्न की प्रॉब्लम थी। दो प्रॉब्लम्स जो मैं डिस्कस करूँगा वो ऐसी हैं कि जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता है। एक हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वेव गाइड से, पूछा जाता है प्रोपोगेशन ऑफ ई एम वेव से। तो जो प्रॉब्लम नंबर टू डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारी प्रॉब्लम नंबर टू है, ई एम वेव प्रोपोगेशन जो होता है वो कंडक्टिंग मीडियम में किस तरीका से होता है, और उस पर
हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू पहले मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन है और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देता हूँ। ए प्लेन वेव हैविंग कैपिटल ई, जो प्लेन वेव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 वोल्ट पर मीटर। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है उसको लिख लें, ये वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है इम्पिज नॉर्मली इन ए कॉपर ब्लॉक एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 गीगाहर्ट्ज़। जो ईएम वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वेव की वो दे रखी है 2 गीगाहर्ट्ज़। तो काफ़ी फ्रीक्वेंसी है हाई, 2 गीगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी है। फॉर कॉपर, कॉपर के लिए कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, म्यू की जो वैल्यू है वो दे रखी है म्यू नॉट। जो माध्यम है उसकी जो कॉपर के लिए परमिबिलिटी है वो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के इक्वल है, और सिग्मा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 58 × 10⁶। ये वैल्यू दे रखी है और यूनिट दे रखी है एमकेएस यूनिट में। तो कंडक्टिविटी बता रखी है माध्यम की, कॉपर की कंडक्टिविटी हम जानते हैं एक अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर, तो काफ़ी हाई कंडक्टिविटी होती है कॉपर के केस में। कैलकुलेट करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एंड ऑल्सो कैलकुलेट टाइम एवरेज पावर डेंसिटी एब्जॉर्ब बाई द कॉपर ब्लॉक। तो इसके अंदर एक तो पूछा गया है पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करें और साथ साथ पूछा गया है जेड कैलकुलेट करें। तो मैंने पहले एक वीडियो दी थी जिसके अंदर एक्सप्रेशन रिमेंबर कराए थे स्टूडेंट्स को काफ़ी पहले, तो उस वीडियो को देख लें, वहीं से फॉर्मूले हमने ये जो यूज करेंगे इसके अंदर वो लिए हैं। तो जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है माध्यम के लिए उसकी वैल्यू होती है ओमेगा, और साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है वो ओमेगा जो होता है वो 2πf होता है, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो निर्भर करता है वो करता है जेड इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला रिमेंबर रखें। माध्यम में जो जब ई एम वेव प्रोपगेट करती है तो ये फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, यहाँ पर म्यू होती है परमिएबिलिटी और सिग्मा होता है कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ओमेगा ये तो ई एम वेव का करेक्टरिस्टिक्स है, म्यू जो करेक्टरिस्टिक्स है वो माध्यम का और सिग्मा भी माध्यम का। तो करेक्टरिस्टिक जो इम्पीडेंस है कंडक्टिंग मीडिया के अंदर उसमें डिपेंडेंसी याद कर ले, डिपेंडेंसी होती है ओमेगा की पावर हाफ पर डिपेंड करता है करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, म्यू की पावर हाफ पर निर्भर करता है और निर्भर करता है 1/σ की पावर हाफ। तो ये तीनों डिपेंडेंसियों को अच्छे से रखें, और इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, जैसे इस फॉर्मूले पर पूछ सकता है कि एक बार ई एम वेव जो आती है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और एक बार जो ई एम वेव प्रपोज जो इम्पोज की गई है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, उनकी करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की रेशियो क्या होगी। तो वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Z1/Z2 = ω1/ω2 की पावर हाफ। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ये तब लगाएं जब माध्यम तो सेम रहे और जो ई एम वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग केसों में 2 बार अलग अलग गिवन हो और करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की रेशियो पूछे। तो इस पर 3 क्वेश्चन इसी फॉर्मूलों पर बेस बन जाएंगे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्वेश्चन है। तो जेड की जो वैल्यू होगी ओमेगा की जगह पर रख लें, ओमेगा होता है हमारा 2πf और म्यू अपॉन सिग्मा रख दें, तो ओमेगा का एक्सप्रेशन होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2πf। तो ये एक्सप्रेशन यूज करें, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 गीगाहर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर रख दें 2 × 10⁻¹। ये वैल्यू होगी क्योंकि गीगा जो होता है 1 गीगाहर्ट्ज़ में होंगे 10⁻¹। तो ये वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, साथ साथ जो वैल्यू है सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा दे रखा है क्वेश्चंस में वो यहाँ पर पुट करें। तो जेड जो आ जाएगा वो आएगा हमारा अंडर रूट 2 × 3.14, और एफ की जो वैल्यू है वो क्वेश्चंस में गिवन है 2 × 10⁻¹। म्यू दे रखा है म्यू नॉट के ऊपर, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस वो होती है एमकेएस यूनिट में 4π × 10⁻¹। सिग्मा दे रखा है एमकेएस यूनिट में और वैल्यू दे रखी है 58 × 10⁶। तो 58 × 10⁶ यहाँ पहले, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 1.65 × 10⁻²। तो काफ़ी कम वैल्यू है करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की, ये वैल्यू आएगी कंडक्टिव मीडियम में 1.65 × 10⁻²। तो क्वेश्चन के अंदर ये भी ध्यान रखें कि ये भी पूछ सकता है कि जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे
यहाँ से आंसर ले लें, जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट वेव की उस पर निर्भर करता है, माध्यम के दो कैरेक्टरिस्टिक पर निर्भर करता है, परमिएबिलिटी पर निर्भर करता है, कंडक्टिविटी पर करता है। पूछेगा जैसे चार अल्टरनेट्स बना सकता है तो कहेगा किस पर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं करता, एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी होता माध्यम, इस पर निर्भर नहीं करता बल्कि परमिटिविटी की बजाय परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। साथ साथ इसी क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम एवरेज पावर डेंसिटी, तो एवरेज जो वैल्यू पूछी है टाइम एवरेज पावर डेंसिटी, तो ये एवरेज जो एक्सप्रेशन है टाइम पावर एवरेज डेंसिटी का उसे यूज कर लें, टाइम एवरेज पावर डेंसिटी को उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा एक्सपेक्टेशन एस, और एक्सपेक्टेशन एस की जो वैल्यू होती है वो होती है मॉड ई स्क्वायर अपॉन टू जेड, जहाँ पे ई ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड जो है वो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, तो जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है और ये हमें वैल्यू दे रखी है एक्सपेक्टेशन, ये जो हमारा मॉड ई है उसकी वैल्यू 2 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा मॉड का मतलब होता है कि ये वैल्यू ई की वैल्यू इमेजरी भी हो सकती है, ई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मॉड ई सदा पॉजिटिव होगा। तो मॉड ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें और इसे सॉल्व कर दें, तो ये वैल्यू आएगी हमारी सॉल्व करके 2 का स्क्वायर मॉड 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और जेड की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं 1.65 × 10⁻²। तो ये सॉल्व करके हैं जो वैल्यू आती है वो चेक कर लें, वो आएगी 121.2 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसको अच्छे से तैयार रखें, साथ साथ प्रोपगेशन ऑफ पीएम वेव पे अच्छा काम करके जाएं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं लगातार। यहाँ पर याद रखें कि जो हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है जब ये वेव कंडक्टिंग मीडियम में जाती है, तो ई और एच के बीच का जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये होता है हाफ टेन बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ याद रखें कि जो एनर्जी स्टोर है फ्री स्पेस के अंदर वो यू ई और यू एम उनकी वैल्यू सेम होती है, ई एम वेव ट्रांसफर सिग्नेचर को शो करती है, तो ये सब प्रॉपर्टीज को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स पर रखते हुए मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया था प्रोपगेशन ऑफ पीएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, तो याद रखें कि इनके ऊपर जो जितने भी फॉर्मूले हैं कंडक्टिंग मीडियम के अंदर प्रोपगेशन का और फ्री स्पेस के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पॉइंटिंग वेक्टर से क्वेश्चन आता है, तो बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी इस पर अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी देखते रहें, उनमें से क्वेश्चन निश्चित तौर से आते रहते हैं। तो इसमें मैंने जो पहली दो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराई थी, पहली जो पहली थी वो मैग्नेटाइजेशन से था पहला क्वेश्चन, दूसरा डिस्कस कर रहा था कंडक्टिव मीडियम के प्रोपगेशन के अंदर, थर्ड जो प्रॉब्लम है जो लगातार पूछी जा रही है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं इसमें डिस्कस करूँगा उसको 3 पार्ट्स में होगा, एक है हमारा ई दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 cos ω की प्लस के जेड, और जेड ये जो वैल्यू है वो है आई कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर प्लस 1 sin ω t प्लस के जेड और वैल्यू है यहाँ पर जी कैप। पूछता है कि बताइए ये कैसी वेव है, तो इसका आंसर है लेफ्ट सर्कुलर, तो लेफ्ट सर्कुलर और राइट सर्कुलर को कैसे तय करें, सर्कुलर को कैसे तय करें, तो ये इस कंसेप्ट को मैं समझाता हूँ, याद रखें किस तरीका से हम इसे चेक करेंगे। जब हमारे पास ये इक्वेशंस होगी तो इस पूरे को ex से शो कर दें और इस कंपोनेंट को ey से शो कर दें, तो हमारे पास क्या होगा और ये जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो ex और ey की वैल्यू को ले लें, यहाँ पर ex की जो वैल्यू होगी वो होगी cos ω t प्लस kz, और ey की जो वैल्यू होगी वो होगी sin ω t प्लस kz, ये ex और ey की वैल्यू होगी। उसके बाद क्या करें, ईएक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो ईएक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होती है वो इक्वेशन होती है सर्किल की। तो ये सर्कुलर हमारा इसलिए हो गया कि एक्स की जगह पर हमारा ई एक्स आ जाएगा, वाई की जगह पर ई वाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ई एक्स और ई वाई कंपोनेंट, और ए की जगह पर 1 होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमारी सर्कुलर हो गई। इसके अंदर अगर यहाँ कॉस कंपोनेंट है, इधर साइन है, और यहाँ पे प्लस साइन के साथ में आए तो आंसर को लेफ्ट सर्कुलर मार्क करें, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में आए तो इसको राइट सर्कुलर मार्क करें। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ,
ये क्वेश्चन सपोज किया जाता है इस फॉर्म में, कॉस ओमेगा टी प्लस के जेड और वैल्यू दे देता है आई कैप माइनस वैल्यू देता है साइन ओमेगा टी प्लस के जेड और जे कैप। पूछता है कि ये बताएं ये किस तरीका का जो पोलराइजेशन है वो किस तरीका का होगा। तो यहाँ पे क्या करें कि ये जो पैटर्न को सेम रखें, ई एक्स की वैल्यू को ये ले लें, ई वाई में है माइनस आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर की वैल्यू वन होगी। अब ये जो होगा वो हमारा इसमें और इसमें अंतर ये होगा कि 180 का फेज डिफरेंस इसमें आ जाएगा। तो लेफ्ट को अगर 180 फेज डिफरेंस के साथ में चेंज कर दें तो वो राइट सर्कुलर बन जाएगी। तो यहाँ पर आंसर इसका जो होगा वो राइट सर्कुलर मार्क कर दें। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इजीली, लेफ्ट सर्कुलर और राइट सर्कुलर। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेगुलरली पूछा जा रहा है। तो इसी प्रोस्पेक्ट्स में ये मैंने क्वेश्चन लिया है लेफ्ट सर्कुलर और राइट सर्कुलर से। उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन आगे लेफ्ट सर्कुलर और राइट सर्कुलर के अलावा क्वेश्चंस पूछ सकता है इलिप्टिकल पोलराइजेशन पे। तो ये क्वेश्चंस में इलिप्टिकल पोलराइजेशन पे भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी पूछा जाता है। तो ई की जो वैल्यू है वो दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर, ई इज इक्वल टू, इसका थर्ड पोर्शन है ये, दो पोर्शन तो मैंने एक लेफ्ट सर्कुलर का करा है एक राइट सर्कुलर का, थर्ड पे करा रहा हूँ मैं राइट इलिप्टिकल पे। तो ये वैल्यू जो दे रखी है राइट इलिप्टिकल में, ई की वैल्यू दे रखी है ई इज इक्वल टू वन और कॉस जो वैल्यू है वो है कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा जेड आई कैप माइनस टू साइन ओमेगा टी प्लस बीटा जेड माइनस 45 और जे कैप। इसको पूछा है तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कॉस के साथ फेज आ रहा है, ये साइन है साइन के साथ फेज आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें ई एक्स इसको लें, ये वैल्यू ई एक्स मान लें आई कैप और इसकी वैल्यू को ई वाई जे कैप मान लें, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ई एक्स की वैल्यू कॉस में आएगी, ई वाई की वैल्यू साइन में आएगी, लेकिन यह माइनस साइन के साथ साथ आएगा। और अगर यह माइनस आता है कॉस के साथ और साइन के साथ में यह नेगेटिव आता है तो अभी मैंने बताया था फिर राइट मार्क करें कि राइट होगा। अब फिर हम ये देखें कि सर्कुलर है या इलिप्टिकल है, तो उसके लिए हम क्या करें कि यहाँ से कंपोनेंट देख लें कि कॉस से पहले जो कंपोनेंट है और साइन से पहले जो कंपोनेंट है मल्टीप्लीकेशन में उसकी वैल्यू देख लें। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ई एक्स वेव है इसका इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड 1 है, ई वाई वाला जो है वाई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड -2 है। तो यहाँ से देखेंगे कि दोनों सेम नहीं है, जब हमारा इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड यहाँ पे अगर हम इसको ई1 कहें इसको ई2 कहें और ई1 की वैल्यू ई2 के इक्वल ना हो, साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन हो, तो तब हमें आंसर मार्क करना होगा राइट इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफी कंसेप्ट आपके लिए बेनिफिट देगा। साथ साथ यहाँ पे एंगल की वैल्यू चाहे जो दे रखी हो माइनस में, तब ये हमारा राइट इलिप्टिकल बनेगा, चाहे -30 दे चाहे -45 या -60, उससे हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखें। तो ये राइट इलिप्टिकल पोलराइजेशन है। साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं ये पोर्शन और सॉल्व करा रहा हूँ, जैसे वो क्वेश्चन में देता है कि ई एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 cos ओमेगा टी प्लस बीटा जेड आई कैप और ई वाई दे रखा हो इन केस दे रखा है 2 cos ओमेगा टी प्लस बीटा जेड जे कैप। पूछता है कि बताएं कि ये किस तरीका का पोलराइजेशन है, तो क्या करें ई वाई अपॉन ई एक्स को डिवाइड कर दें, ई वाई अपॉन ई एक्स को डिवाइड करने पर अगर cos या साइन में या ये अगर ये साइन में भी है साइन ओमेगा टी प्लस बी जेड यहाँ भी साइन ओमेगा टी प्लस जेड तब भी ये आंसर लीनियर पोलराइज्ड हो जाएगा। ई वाई अपॉन ई एक्स सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 1 आ जाएगा और ई वाई को हम कुछ देर के लिए अगर वाई डायरेक्शन के लिए ले लें और ई एक्स को एक्स ले लें तो ये जो वैल्यू है वो वाई इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशंस बनेगी, या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ई वाई इक्वल टू 2EX को सॉल्व कर रहा है, तो ये लीनियरली पोलराइज्ड वेव होगी। तो ये तीनों चारों तरीका के जो कंसेप्ट हैं उसे तैयार रखें। एक वीडियो का ऑलरेडी इस पर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से क्वेश्चंस को जरूर देख लें, लगातार क्वेश्चंस इस पोर्शन से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चंस बता रहा था आपको, लेफ्ट इलिप्टिकल राइट इलिप्टिकल पोलराइजेशन लीनियर पोलराइजेशन, यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जा रहा है, नेट गेट और बार्क जैस पेथर सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है, IIT जेम में भी क्वेश्चंस आ चुका है इसके ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, बाउंड्री कंडीशन से क्वेश्चन आता रहता है, प्रॉब्लम नंबर 4। एक ही क्वेश्चन में मैंने कई कई सारी प्रॉब्लम्स ली हैं, तो ये कहने के लिए 4 है लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें डिस्कस की हैं। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पेजेड एट 45 डिग्री ऑन
द इंटरफेस ऑफ टू परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक्स एक्साइटिंग एट 60 डिग्री कैलकुलेट द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। तो क्वेश्चंस की मैं फिगर बना रहा हूँ और बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे पूछा गया था। ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर है यहाँ परमिटिविटी जो दे रखी है वो दे रखी है एप्सिलॉन 2 और यहाँ पर परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 दे रखी है। यहाँ से कोई वेव इस तरीका से आती है और जो एंगल है ये दे रखा है 45 डिग्री। इधर जो एंगल दे रखा है इस सेकेंड केस के अंदर वो एंगल दे रखा है यहाँ जो ये दे रखा है इस टाइप से एंगल, ये वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री की। और क्वेश्चंस में पूछा गया है, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 60 डिग्री ये वाला, और ये वाला एंगल जो होगा ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पे एंगल ये 60 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है और एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू पूछी है। तो ये क्वेश्चंस के अंदर बाउंड्री कंडीशंस का हम कंसेप्ट अप्लाई करें। ये बाउंड्री है जो क्वेश्चंस में दे रखी है, बाउंड्री से जो ऊपर वन ये बाउंड्री अगर इस तरीका से पैरेलल है तो इस पर नॉर्मल हमने प्लॉट किया है इस एंगल को कुछ देर के लिए, ये एंगल 45 है ये पूरा 90 है तो ये हमारा एंगल जो होगा वो 45 होगा और इसकी वैल्यू को हम कुछ देर के लिए थीटा 2 ले लें। यहाँ पर जो ये एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है तो ये निश्चित तौर से 30 डिग्री होगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के जो एक्सेज हैं वो परपेंडिकुलर है, ये पूरा एंगल 90 है, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एप्सिलॉन 1 / एप्सिलॉन 2 की रेशो पूछी गई है। एंगल अगर हम ये याद रखें कि अगर एंगल नॉर्मल से हमने प्लॉट किया है तो जो बाउंड्री कंडीशंस होती है वो होती है हमारी एप्सिलॉन 1 cos थीटा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 cos थीटा 2। ये एक्सप्रेशंस हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर जो एंगल है वो नॉर्मल से लिए जाते हैं। तो नॉर्मल हमारा ये है और नॉर्मल से जो एंगल बन रहे हैं जो ये हमने इम्पोज की है ये उसका रास्ता है, फिर जो पाथ दिखा रखा है। तो यहाँ पर हम देखें कि नॉर्मल से ये एंगल जो बन के आ रहा है ये वेव का वो 45 डिग्री है, यहाँ पर जो नॉर्मल से एंगल बन के आ रहा है वो 30 डिग्री है। तो नॉर्मल से एंगल लें तो ये फॉर्मूला लगाएं, अगर हम टेंजेंट से एंगल लें तो याद रखें कि टेंजेंट से जो बाउंड्री कंडीशंस होगी, अगर टेंजेंट से अगर इस ये हमारा टेंजेंट है और ये नॉर्मल है तो टेंजेंट से या बाउंड्री के से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला एप्सिलॉन 2 tan थीटा 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 tan थीटा 1 बराबर एप्सिलॉन 2 tan थीटा 2, ये तो होगा टेंजेंट से। और नॉर्मल से जो होगा फॉर्मूला वो ये होगा, क्योंकि जब नॉर्मल से लेकर चलते हैं तो E1 sin थीटा 1 इक्वल टू E2 sin थीटा 2 रहता है बाउंड्री कंडीशंस में, और एप्सिलॉन 1 E1 cos थीटा 1 की वैल्यू होती है एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा 2। तो यहां हम अगर नॉर्मल से ले लें तो ये एक्सप्रेशन यूज कर लें, एप्सिलॉन 1 / एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी cos थीटा 2 / cos थीटा 1। एंगलों की जो वैल्यू है क्वेश्चंस में वो हमें दी हुई है, यहां पे जो एंगल है ये थीटा 1 है और ये वैल्यू जो है थीटा 2 की, ये जो वैल्यू होगा क्योंकि नॉर्मल से हम ले लें तो यहाँ थीटा 1 को यहाँ से लें, बल्कि थीटा 1 की वैल्यू को लें 30 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू को लें 45 और इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी cot 45 और ये वैल्यू आएगी cot 45 / cot 30 डिग्री। और 45 इसलिए आएगी क्योंकि थीटा 2 हमारा ये 45 बन रहा है नॉर्मल से, और थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री इसलिए आएगी क्योंकि नॉर्मल से एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर लें, 1 / और cot 30 की जो वैल्यू होगी वो √3 होगी, तो ये एप्सिलॉन 1 / एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू है वो हमें जो ऑब्टेन हो जाएगी वो 1 / √3 होगी। अगर आप cos 30 का एक्सप्रेशन भूल जाते हैं, आपको याद नहीं आता कि फॉर्मूला इसका क्या है, तो cos 30 / sin 30 रख लें और उसके बाद इसे वैल्यू को सॉल्व कर लें, cos 30 की वैल्यू जो होगी वो sin 60 के इक्वल होगी और वो होगी √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ से ये वैल्यू सिंपली √3 कैलकुलेट हो जाएगी। कई बार स्टूडेंटों से ये मिस्टेक हो जाती है तो इस तरीका से इसे सॉल्व आउट कर लें। साथ साथ ये याद रखें कि नॉर्मल के लिए जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, क्योंकि मैं इसमें रिवीजन भी चाहूँगा, अगर नॉर्मल से लिए जा रहे हैं तो एप्सिलॉन 1 cot थीटा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 cot थीटा 2, ये बाउंड्री कंडीशन से याद रखें, म्यू 1 cot थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 cot थीटा 2 याद रखें, और सिग्मा 1 cot थीटा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 cot थीटा 2 याद रखें। तो इस पर क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं इस पैटर्न में, इससे मैं क्वेश्चन करा रहा था इसी तरीका से इस पर क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे म्यू 2 म्यू 1 देगा, थीटा 1 देकर थीटा 2 पूछ सकता है, इस तरीका से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस पे क्वेश्चन करें,
ये मैंने बाउंड्री कंडीशन से एक प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, आपको ये बताने का प्रयास किया कि बाउंड्री कंडीशन से रेगुलर पूछी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने डिलीवर की है ये निश्चित तौर से सभी कंप्यूटर्स को काफ़ी बेनिफिट देगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।